पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2019 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर सभी पार्टियां चुनाव में अपना परचम लहराने की तैयारियां शुरू कर रही हैं। कोई जुलूस निकालकर तो कोई जनसभा कर पब्लिक को लुभाने में लगा हुआ है। इसी के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा लोगों के वोट बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में शनिवार को लाजपत नगर स्थित महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज में BLO द्वारा लोगों के वोट बनाने का काम किया गया। इसी मौके पर पहुंचे दर्जा राज्य मंत्री गोपाल अंजान। निरीक्षण के दौरान जो कमियां पाई गई उन पर अधिकारियों को फटकार लगाई और कहा कि जल्द से जल्द वोट बनाने की प्रक्रिया को समाप्त कर लोगों का मत बनाने का काम करें। कोई नहीं, यहाँ पर BLO की तबीयत खराब है, वो समय नहीं है, वो गई है दवाई खाने के लिए, गई अभी जल्दी आ रही है। सारा काम व्यवस्थित चल रहा है। लगभग कब तक चलेगा ये काम? दो दिन चलेगा, कल दो दिन के बाद, फिर इसके बाद जो भारत निर्वाचन आयोग है उसकी जो आगे गाइडलाइन आएगी उसके अनुसार काम करेंगे। इस समय दो दिन का अवसर मिला है। मैं मुरादाबाद के नागरिकों से, जिन्होंने 1 जनवरी 2019 को अपनी आयु सीमा 18 वर्ष की पूरी कर ली है, वो अपना मतदान मतदाता सूची में नाम अंकित करा के देश की अच्छी सरकार को चुनने का अवसर है, वो लोगों का मैं आह्वान करता हूँ अपना वोटर लिस्ट में।